हेलो गाइस, क्या हाल है? होपफुली सब बढ़िया हो गए, अच्छे हो गए, सब अपना ध्यान रख रहे हो गए। सो इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम गाइस, मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, आई वाज क्वाइट बिजी एज यू नो। सो प्रोबेबली गाइस, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छी अच्छी राइडें और प्लान हमारा बहुत सारा हो रखा है और डेफिनेटली वी गोना राइड सून विद सम गुड प्लेसेस। और आज सडनली हमारा प्लान बन गया था यार शिमला का, हमारे शाकिर भाई का स्नो देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो प्रोबेबली हमें वहाँ जाने के बाद शायद स्नो भी मिल जाए। और इस समय मैं दिल्ली से निकल चुका हूँ और जो इस समय यहाँ का वेदर था वो सही वेदर था, कूल वेदर था। और जैसे ही हम निकले हैं वैसे हमारी रेन स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हैं अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ रहा हो तो, वरना मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। और वहाँ का वेदर जो है मैंने सुना है बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। दो दिनों के लिए जा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरी दूसरी राइड है। सो आई होप आपको ये जर्नी पसंद आएगी, आप लोगों को अपडेट देता हूँ गाइस। See you then. So finally guys, हम मूर्थल क्रॉस करते हुए, हमारे लेफ्ट में सारे ढाबे ढाबे हैं। पानीपत हमारा यहाँ से रह गया 37 किलोमीटर ओनली, बट हमने यहाँ स्टे नहीं लिया क्योंकि हम तो अभी बस निकले ही थे 2 बजे करीब और अभी टाइम जो हो रहा है वो 2:44 ही हो रहा है। तो प्रॉब्ली हमारी कोशिश है कि हम कम से कम 250 किलोमीटर के बाद स्टे लेंगे हम और फिर वहीं कुछ खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे या उससे पहले कुछ ना कुछ देखते हैं। सो रूट का गाइस एंजॉय करो, बाकी सारी चीज़ें जो है मैं प्रॉब्ली वहाँ जाके सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को। और डेफिनेटली गाइस इस वाले रूट में मज़ा आने वाला है आपको। क्या ही अलग मौसम वेदर हो रहा है यार, ज़बरदस्त। कभी धूप, सॉरी धूप नहीं, अबे तू पागल है क्या? नहीं धूप तो हो रही है। So guys, क्या ही वेदर हो रहा है यार, बारिश हो रही है रुक रही है, बारिश हो रही है रुक रही है। आगे का हम अपडेट देख रहे हैं और कि क्या कहाँ पे स्नो मिल रही है, कहाँ पे नारकंडा जो है हमारा शिमला से कितना ऊपर है, 60 किलोमीटर ऊपर है। और वहाँ पे जो इस समय का व्यू है ना यार, वो बिल्कुल एक्सप्रेस करने वाला नहीं है यार, क्योंकि वो तो जाके ही पता चलेगा कैसे है। और बाकी हमारे जो डीजे है ना, दे आर एंजॉइंग अ मोमेंट। है भाई डीजे ऑल फन, यो डीजे के पास सुनिए हमने, ये है डीजे। अगर आप लोगों को पता है डीजे की फुल फॉर्म सो प्लीज पिंग ऑन द कमेंट, और अगर उसकी फुल फॉर्म सही मिली तो आने वाले टाइम में आपको मैं डीजे की रील्स या वीडियोस में उन्हें भी लाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए वो दोनों हाइड है, सो इट्स कॉल्ड डीजे, डीजे टुडे टुडे। देखो गाइस अंबाला के अंदर कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, फुल हैवी रेन है, ट्रक के टायर देखो यार किस तरीके से पानी का पूरा फवारा निकालते हुए जा रहे हैं। बहुत गंदी बारिश हो रही है यहाँ पे, अम्बाला का स्टेटस ये है। लद्दाख जाते समय भी सेम स्टोरी थी यहाँ की, अम्बाला की, अम्बाला भाई बारिश छोड़ेगी नहीं हमारा साथ अम्बाला क्रॉस करते हैं। और अम्बाला क्रॉस करने के बाद फिर बारिश जो थी फिर हमें कम मिली थी, शायद मुझे लग रहा है आज भी वही सीन दोहराया जा रहा है हमारे साथ। लेट्स सी, अम्बाला सिटी सीधा अमृतसर चंडीगढ़ रास्ता। तो यार शिमला का रास्ता सबसे बढ़िया लगता है क्योंकि रास्ता माशाल्लाह बहुत बढ़िया है शिमला का यार। जैसे मनाली और मसूरी, मसूरी का रास्ता जो है ना बड़ा वैसा है, बट शिमला का, जैसे मैं शिमला एक बार गया हुआ बाइक से पहले, बहुत बढ़िया रास्ता है। सो प्रॉब्ली भी आप सुना तो है उससे अच्छा हो गया रास्ता। लेट्स सी आज क्या रहता है। सो गाइस फर्स्ट स्टॉप हमने लिया है मन्नत हवेली पे और यहाँ से अम्बाला बचे हमारे कुछ किलोमीटर्स, तो हमने चल दिया चाय वाय थोड़ी सी हो जाए यहाँ पे कुछ, तो इस चक्कर में हमने थोड़ा सा स्टे लिया था। गाड़ी हमारी ये लगी हुई है सामने और इसके बाद अब हमारा जो स्टे होगा प्रॉब्ली वो शिमला के अंदर ही होगा जाके। लेट्स सी देखते हैं गाइस, बाकी अभी चेंज वेंज कर रहे हैं ये लोग, क्या अपडेट रहती है। आई टोल्ड यू कि हम मन्नत पर रुके हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं मिल रही हैं। तो हमारे डीजे ने कुछ ऑर्डर किया है यहाँ पर चाय तब तक, मगर यहाँ का एक रूल है यार, जहाँ पे लाइट जल रही है ना यही आइटम मिलेंगे इस समय आपको, ये आइटम नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि इसमें लाइट नहीं जल रही है अभी। तो टाइम के अकॉर्डिंग देख लो, ये हम 4:30 बज चुके हैं और यहाँ पे हम आइटम तो बढ़िया लग रहा है, देखते हैं चाय वाय कैसी है। अरे यार चाय का छोटा सा ब्रेक तो बनता ही है यार, तो गाड़ी में 2-2.5 घंटे चला लेते हैं ना तो छोटा सा ब्रेक बनता है चाय का। सो वी आर गोइंग टू एंजॉय द चाय टुडे। भाई कुछ भी कहो चाय बढ़िया है। जीरकपुर के लिए हमें लेफ्ट से निकालना है, फ्लाईओवर का जो है इस वाले कट के ऊपर नहीं जाना है हमें, हमें नीचे से लेफ्ट लेके फिर सीधा जाना है।
और यहाँ से प्रॉब्ली हमारा रह गया है 200 के अप्रॉक्स मान के चलो आप शिमला, 160 रह गया है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो हमने कवर कर दिया है। ये देखो गाइस सामने, वेलकम टू हरियाणा, राइट में पटियाला, लुधियाना, मतलब लुधियाना पटियाला के लिए सीधा है, और जीरकपुर और चंडीगढ़ और शिमला लेफ्ट में। सो ट्रॉली गार्ड हमारा 150 किलोमीटर का सफ़र जो है वो रह गया है, 160-170 मान के चलो। सो इंशाल्लाह गाइस हम टाइम से पहुँच जाएंगे, सी यू देयर। सो फाइनली गाइस हम शिमला के पेट्रोल पंप पे फ्यूल अप करवा रहे हैं, गाड़ी हमारी यहाँ लगी हुई, ले टाइम मिला नहीं इसको, नहीं तो ले से शिमला में भी कन्वर्ट कर सकते थे इसको हम, फ्यूल अप चल रहा है। हमारे में थोड़ा बहुत पेट्रोल कम हो गया था, हमने लगा वो डलवा ले। शिमला की पढ़ाई चढ़ाई पहाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेट से देखते हैं आगे का माहौल कैसा रहता है। वेदर कूल हो रखा है, बढ़िया हो रखा है, और मौसम भी खुल चुका है, बारिश हल्की हल्की हो रही है, मज़ेदार मौसम है यार, बस स्नो मिल जाए यार मज़ा आ जाएगा। अरे भाई अभी तक तो बारिश हो रही थी, अब मैंने मौसम दिखा दिया ना, हिल जाओगे सारे के सारे। दिखाओ फिर, ये देखो कोहरा भाई साहब, इतना गंद भयंकर कोहरा है, ये रोड क्लियर दिख रहा है भाई, अभी राइट में देखना कोहरा, ये देख रहे हो गाइस, वेट वेट अ मोमेंट। स्टिल बारिश इज गोइंग ऑन हियर, राइट में देखो तुम, कुछ दिख रहा है तुम्हें, लग रहा होगा सब आसमान आसमान है। कहाँ दिक्कत आ रही है, बड़ा कूल यार, बहुत ही प्यारा ऑसम मौसम है यार, जबरदस्त। सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। सो हम लोगों ने लेफ्ट ले लिया है कुफरी के लिए, ये आप देख सकते हो कुफरी यहाँ से 16 किलोमीटर से दिखा रहा है सिर्फ, और राइट में हमारा शिमला था, बट राइट से हमने लेफ्ट ले लिया क्योंकि नारकंडा की साइड जो है सुना तो हमने स्नो ज़्यादा होने के चक्कर में नारकंडा बंद है, बट कोशिश करेंगे देखते हैं जहाँ तक जा पाएंगे कुफरी तक वहाँ तक तो जाएंगे, क्योंकि हमें यार स्नो चाहिए, कोशिश तो है हमारी और हमें लग भी रहा है, काश हमें शायद मिल भी जाए स्नो। सो जैसे कुछ अपडेट मिलते हैं गाइज आप लोगों को इंस्टा पे यूट्यूब पे दोनों पे अपडेट मिलेगी, और आज का करंट अपडेट है ये कि अभी तक बारिश और धुंध और सारा मौसम बिल्कुल भयंकर सा मिला है, बस स्नो का और वो इंतज़ार है हमें। सो अभी रुकेंगे गाइज, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। सो गाइज हम इंडिया में यूएस के मज़े ले रहे हैं यार, यू कैन बी सी देयर ऑकलैंड टनल 0 मीटर पे है, और ये टनल है, ये देख लो अटल टनल, सारे टनल तुमने देखे होंगे, ये टनल कुछ अलग टनल है गाइस। ये बाबा रोक रहे हैं हमें, ये पहले ये बताओ रेस्टोरेंट कहाँ पे है, कुछ चाय वाय के लिए चाचा कुछ है, चाय पी रहा है, जाना कहाँ आपने, जाना तो हमें। सो बाबा ने हमें जस्ट अभी बताया है कि यू कैन बी टेक अ राइट टर्न फ्रॉम हियर, और उन्होंने बोला है कि 1.5 किलोमीटर के बाद आगे जाके आप लोगों का खाने पीने का है, और नारकंडा का व्यू भी यहीं से आप देख सकते हो गाइस, क्या ही नज़ारे हैं, क्या ही बर्फ गिरी हुई है धमाकेदार, स्नो तो मिल गई है, स्नो तो मिल गई है, फॉल और चाहिए यार, वो वाला हिसाब किताब चाहिए यार, गाड़ियों के ऊपर देख रहे हो यार क्या ही नज़ारे हैं। हाँ भाई डीजे डीजे तो सुन हो गई मेरी। सो इंशाल्लाह उम्मीद है गाइस कि स्नोफॉल लाइव स्नोफॉल देखने को काश मिले हमें। भैया भूख बहुत तेज लगी है, अभी जाके हमें स्टे करना है, थोड़ा सा रुकना है थोड़ी देर के लिए, ब्रेक लेना है मतलब, फिर कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं आगे, उम्मीद तो है स्नोफॉल की, बाकी अगर नहीं भी होगा फॉल तो डीजे के ऊपर हम ये स्नो करवा देंगे, जो ये जो स्नो है हमारा वही फॉल करवा देंगे हम। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है माशाल्लाह वैसे, चलो मिलते हैं यार। सो गाइस हमने किए हैं पराठे ऑर्डर, और ये हमारा अचार, और हमारे डीजे इज सेटिंग फ्रंट ऑफ अस, वी बोथ आर हियर। क्या अपडेट है भाई, अपडेट पूरी पूरी स्नो हो रही है, नारकंडा की पूरी पूरी अपडेट है गाइस, स्नो हो रही है दबा के वहाँ पे, और यहाँ का भी देखते हैं। अभी हम लोगों ने कुफरी से पहले स्टे लिया ना हमने, कि कौन सी जगह है, ब्रेक लिया, ये ब्रेक लिया हम लोगों ने कुछ खाने के लिए, भूख लग रही थी ऐसे, भूख है ना ऐसे भूख लग रही थी, मतलब कुछ खा ले फिर आगे की तरह खा ले। देख रहे हो डीजे की आवाज़ सुन रहे हो सामने से, डू कमेंट
डीजे का मीनिंग कौन है ये लोग कहाँ से आए हैं एंड देन आई एम गोना शेयर द पिक्चर सून विद यू एंड यू गाइस आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड अभी आप तो खाओगे नहीं सो भाई ये हो रही है पूरी की पूरी ठंड जबरदस्त वाली हाथ वात बिल्कुल समझ जमने से हो गए बट अपना चल रहा है हीटर फुल फील के साथ कोई चक्कर नहीं है सब बढ़िया है बिंदास है अब निकलेंगे आगे की तरफ विल सी यू देन और पीछे से हमारे राजा रेंचो आ गए हैं इसमें आई एम गोना हाइड देम ओके ब्लैक स्क्रीन आ रही है अरे भाई अरे 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 लकिया लकिया भाई ने हमारे स्नोफॉल दिखाई है और यही इसी होटल में जा रहे हैं गाइस हम और स्नोफॉल लग चुका है वहाँ पे भाई ने वीडियो कॉल करके दिखाई जल्दी आओ थोड़ा सा नेटवर्क इशू बस हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं इसको अभी देख रहे हो ये डॉट अरे वाह बहुत ही बढ़िया गाइस फाइनली गाइस उम्मीद पूरी पूरी है स्नोफॉल देखने की फॉल में होता हूँ अब दिख जाएगा स्नो और पूरा का पूरा देखो गाइस यार इस समय मैं दिखा देता हूँ आपको देख रहे हो गाइस यार क्या जबरदस्त सिस्टम है यार जा रहे हम देखो गाइस कभी भी मिल सकती है जैसी मिलती है गाइस वैसे आप लोगों को दिखाता हूँ लाइव आगे सो गाइस हम इस समय कुफरी जो है वो क्रॉस करते हुए और कुफरी का देख लो यार ये माहौल है बंदे गाड़ियाँ वाड़ियाँ रोक के मस्त खेल रहे हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक्टिविटीज़ करने में लगे हुए हैं बट हम सीधा आगे की तरफ जा रहे हैं गाइस हमें रुकने का यहाँ पे कोई मूड नहीं है हमारा क्योंकि नारकंडा यहाँ से अभी दिखा रहा है हमें टू आवर्स का टाइम दिखा रहा है और वहाँ पे स्नोफॉल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है हम डायरेक्टली वहीं स्टे करेंगे हमारा वही है और अगर हमें बीच में स्नो मिल जाती है सो फिर हम देखते हैं कि हमें आगे का क्या करना है हम वहाँ जाते हैं नारकंडा जाएंगे या रुकेंगे रास्ते में जो भी होता है सो आपको जस्ट लुक एट दिस गाइस देख रहे हो गाइस क्या ही माहौल है ओह माय गॉड देख रहे हो यार ओह माय गॉड दिस इज रियली फन दे आर हैविंग फन टुडे लॉर्ड बहुत ही बढ़िया इसे कहते हैं कुछ बातचीत ये देखो 360 निकाल लो देख रहे हो गाइस यू हैव फील से फील अभी तो और आगे भयंकर सीन आने वाले हैं गाइस तो बी रेडी फॉर इट ओह भाई साहब मिल गए स्नो फाइनली आगे ये बारिश की बूंदों के साथ गाइस तो स्नो हमें मिल चुकी है और स्टार्ट हो चुकी है स्नो यहाँ से और आगे जाके अभी देखो भयंकर और भयंकर मिलने वाली है माशाल्लाह भाई माशाल्लाह बहुत जल्दी स्नो मिल गया गाइस हमें यार ये देखो गाइस शुरुआत हो गई है अब वेट कर रहे हैं मोटी बूंदों का गाइस जैसे-जैसे जस्ट गोना बी फन टुडे और वैसे और हमारे डीजे विल गोना बी हैप्पी टुडे है डीजे हैप्पी Yo, you got the voice from back. Yo, so we'll see you soon, guys. Okay. So finally, guys, we are at Kufri here. Snowfall ho chuki hai yahan pe. Full enjoying here. Gaadi apni here hi. Aage jada aur bhi jada aage jaake aur bhi tabahi hone wali hai. So nikal rahe hain, guys. Aage. Kitne gang log? True. Ye hai nazare gaadi ke. मैंने कहा था ना भाई वो वक्त भी आ जाएगा जब स्नो पड़ रही होगी आसमान पे ओह माय गॉड गाड़ी पूरी नहीं आ रहा है कैसे वीडियो बनाएंगे गाड़ी की देख के लो भाई बस वो वाली स्नो पड़ जाए थोड़ी सी तो चाहते हैं मोटी वाली और एक छाता मिल जाए कलरफुल तो वाइट नहीं है निकाल ही रहा हूँ कोई नहीं अपनी गाड़ी भी आ जाएगी ना बहुत है
डाल ले पहले, टोपी लेगा ये वाली जो मैंने पहन रखी है, पहन ले। इन्हें डर भी लग रहा होगा और खुशी भी है, है भाभी कि तुम काहे ले आए यार, तुम साला पहाड़ बोल के ये तो साला जन्नत में ले आया ऐसा लग रहा है, वही वाला हो गया साहब। नहीं यार मतलब ही नहीं था बच्चों को लाने का, पल के लिए आयशा तो को सो सकते थे, अब्बू ने मना कर दिया, अब्बू ने अम्मी ने कह रहे थे भाई एक आधी वीडियो ना ये वीडियो ना कहते हैं ये सनरूफ हल्का सा खोल के फोन ऐसे निकाल के थोड़ी देर बना ली बस वीडियो भाई नहीं बन पा रहा मैं इससे बना ली मैंने एक्स्ट्रा दे अरे मैं कहता फोन से कह रहा हूं मैंने तो अपने फोन से बनाई ली है भी लगेगा भाभी आधा पौना घंटा और लगेगा ये बाकी जब अपने छिछोरे दोस्त है ये खुश हो रहे हैं बोलेंगे शाकिर को मिल गई स्नोबॉल ये साला कितनी बार गया इसको मिली नहीं है इस बार नसीब हो गई और ये अपनी गाड़ी से गया है और रगड़ दिया हुआ इसने ये लेपर्ड तो नहीं है स्नो लेपर्ड है ये कुत्ता है अबे स्नो लेपर्ड थोड़े पागल लग गया मुझे पता है कुत्ता है ये भाई नहीं लग रही क्या वीडियो आ रही है ये स्नो लेपर्ड अरे भाई स्नो पड़ रही है दाब के भाई मेरे स्नैप लॉगिन कर रही हो क्या स्नैप लॉगिन मत करो उसमें मेरा फोन देना उसमें इंस्टा यूज कर लो नॉर्मल कैमरा से बना लो ना मेरे ये सनी के थ्रू बना लिया तुम मेरे नहीं मैं वैसे कह रहा हूं जितना देख लो उतना कम लगल बा ये स्टोरी में डलेगी और लोंडे देखेंगे ना बोलेंगे अरे 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 मिल गई रे मिल गई
आई गॉट इट। एक ढंग से स्नो वाली वीडियो बनी।